बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोटरसाइकिल का एक फ्लशर है हमारे पास, इसको रिपेयर अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देख लीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा। और अगर पूरी नहीं देखेंगे तो फिर स्टेप स्किप करते जाएंगे, तो फिर स्किप ही कर जाएंगे और कुछ आपके पले नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मोटरसाइकिल का फ्लशर दो पिन डिवाइस है, या दो वायर या दो टर्मिनल। बी टर्मिनल, ये देख लें, बी टर्मिनल और एल टर्मिनल। बी या प्लस वोल्टेज होते हैं 12 वोल्ट, और एल जो है वो लाइट की तरफ जाता है, और लाइट का दूसरा सिरा ऑफ कोर्स ग्राउंड हो जाता है। इस तरीके से ये फ्लशर काम करता है। दरमियान में एक स्विच लगाया जाता है जो कि आपके दाएं और बाएं इंडिकेटर्स को बारी बारी ऑन ऑफ करता है या ऑफ पोजीशन पे ले जाता है। ये इसका सिंपल है, बैटरी प्लस प्लस बैटरी के साथ मिला लेंगे, लाइट की तरफ स्विच के थ्रू ले जाएंगे। अगर आपने ये कनेक्शन उल्टा दिए या यहाँ शॉर्ट सर्किट पैदा किए, यहाँ बी हो यहाँ पर शॉर्ट हो, तो ये ख़राब हो जाता है। और अक्सर केसेस में ये इस तरह का मसला पेश आता है। इसमें भी कुछ शायद ऐसा ही हो या ना हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ऑफ हालत में ये हमारे पास 12 वोल्ट हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है जी, क्योंकि मेरे अडैप्टर से आ रहे हैं, तो हम इसको प्लस लगाते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्लस लगाएंगे। प्लस लगा दिया, अब इसको माइनस कभी भी इस तरह से नहीं देंगे, ठीक हो गया जी। माइनस हमेशा आपने इस तरीके से देना है कि इसके दरमियान एक 12 वोल्ट का लाइट लाजमी लगाना है। तो 12 वोल्ट का लाइट लगा के हम माइनस देते हैं, देखें क्या हो रहा है, सिर्फ एक बीप आ रही है। बीप कुछ में यहाँ पे होती है, कुछ में नहीं होती, इस मॉडल में है। ये यहाँ पे जिसमें ये इस तरह से कड़ा से बना हुआ हो, ये स्लॉट सी बनी हुई हो, इसमें बीप होता है, इसमें है, और लाइट फ्लैश नहीं कर रहा। इस लाइट को फ्लैश करना चाहिए, बीप को कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बल्कि टूटा फूटा ऑन ऑफ करता हुआ स्क्वायर वेव की सूरत में मिलना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, डिवाइस किस किस्म की है, इसका पहले एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, फिर आपको समझ भी आ जाएगी, फॉल्ट की भी समझ आएगी। ब्लॉक डायग्राम, मोटरसाइकिल फ्लशर, फ्लशर रिले भी कहलाता है, फ्लशर भी कहलाता है। बहरहाल फ्लशर है और 12 वोल्ट का है, ऑफ कोर्स डीसी मोटरसाइकिल पे लगने वाला, बेसिक समझा रहा हूँ जो कि नए लोग हैं उनके लिए। इस तरह की डिवाइस होती है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका इसमें फ्लशर होता है, फ्लशर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक फ्लशर होता है, और साथ ही एक बज़र होता है। इस तरह अगर मैं बज़र को बना लूँ स्पीकर की शक्ल का, तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये हो गया बी यानी प्लस, और ये हो गया एल, इस तरह की चीज़ होती है। अब अगर ये फ्लशर, फ्लशर क्या होता है, दरअसल ये एक स्विच होता है, ये एक स्विच की मानंद होता है, इस तरह से करके स्विच ऑन ऑफ होता है। अगर ऑन ऑफ होता रहे तो ये बज़र भी, ये जो बज़र है इसका, ये भी मतलब स्क्वायर वेव के हिसाब से इस तरह करके ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ करता रहेगा। और साथ ही साथ ये जो लाइट आप इसके साथ सीरीज़ में लगाएंगे, इधर यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, बैटरी का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये जो लाइट है ये भी साथ ही साथ ब्लिंक करेगी, ऑन ऑफ करके ब्लिंक करेगी। और इसका जो अगर मजीद सर्किट बनाना चाहें, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर आपको सर्किट्स मिलते हैं, वो इस तरह से है कि फ्लशर रिले इस तरह से करके यहाँ पे एक तीन पोजिशन स्विच लगाया जाता है, ये दरमियान वाला इसका ऑफ होता है, और एक साइड पर इसका एल होता है, एक साइड पर इसका आर होता है, और यहाँ पर इसका एक लाइट ग्राउंड, और यहाँ पर दूसरा लाइट ग्राउंड, और ये स्विच जो होता है ये दो पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, तीन पोजीशन ऑफ, एल और आर, यानी एल और आर इस तरह से। और ये साइड भी ऑफ कोर्स ग्राउंड होती है, ये लाइट हो गया, बल्ब हो गया, और ये बल्ब हो गया, ठीक है जी। और ये फ्लशर इस तरह से है। अब अगर ये ख़राब हो गया फ्लशर, मेरे ख्याल में ये हुआ है कि फ्लशर ख़राब हुआ है, तो ये बिजली इससे गुजरती है, लाइट को ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा करंट गुजरता है, लाइट को ऑन तो नहीं कर सकता, लेकिन लाइट इसके लिए रास्ता ज़रूर देता है, जो कि इस वक्त दे रहा है। तो इस तरीके से ये सिर्फ इसका फ्लशर ही चल रहा है, जो कि कंटिन्यूस बीप दे रहा है। अब हम इसको खोलेंगे, खोलना आसान है, अगर नहीं खुलता तो आप स्क्रू ड्राइवर लगा के खोल लें। ये देखें क्या कुछ है, वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसकी एक लेग बी वाली और ये एक एल वाली। बी के ऊपर पॉजिटिव ये लगा हुआ है रेड, और ये नेगेटिव इसका जो ब्लैक वायर है वो इसके ऊपर एल के ऊपर लगा हुआ है, पैरेलल में ये चीज़ है। अब ख़राब क्या होता है इसके अंदर, ख़राब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ अंदाजे नहीं ले सकते, आप देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या चीज़ ख़राब है। इसमें कंपोनेंट्स हैं, देखें, एक इसमें ये यहाँ पे मॉस्फेट लगा हुआ है, कैपेसिटर है, डायोड है, तीन चार रेजिस्टेंसेस हैं, चार रेजिस्टेंसेज हैं, एक इसके अंदर पी एन पी कैपेसिटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक और कैपेसिटर है। इस तरह आप चार पाँच छः कंपोनेंट्स, 8-10 कंपोनेंट से ये बनता है। अब इसका सर्किट डायग्राम किसी और वीडियो में रिवर्स इंजीनियर करूँगा, आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है जी, कंफर्म लेके आऊँगा। इंटरनेट के ऊपर बहुत कम इसके ऊपर नॉलेज है,
लेकिन बहरहाल जो है हम इसका सही से ऑपरेशन करके आपको दिखाएंगे। इसमें सिर्फ हम इसको ठीक करेंगे, ठीक करके मैं कोई लाइट चला के दिखाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं हम, मैं आपको बताऊँ फॉल्ट के किधर है। फॉल्ट इसमें इस तरीके से आता है कि जब यहाँ पे लोग बी प्लस लगाते हैं, यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसको टेम्परेली या परमानेंटली ग्राउंड कर देते हैं लाइट लगाए बगैर, तो इसमें एक ह्यूज किस्म की करंट गुजरती है, बड़ी करंट गुजरती है, जिसकी वजह से ये प्रिंट सर्किट अक्सर जल जाता है। प्रिंट सर्किट जला हुआ होगा, आपके कनेक्शन नहीं बनेंगे और आपका ये फ्लशर नहीं चल सकेगा। क्या हुआ है देखें, ये प्लस इधर आ रहा है, ये देखें ये प्लस आ रहा है, इस बजर को तो मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जल चुका है। ये गौर से देखें, ये जो मैं इसको उठा रहा हूँ, अगर ये आपको कैमरा फोकस करके दिखा रहा है, तो ये देखें ये यहाँ पे ये यहाँ से इस तरह से मिला हुआ होना चाहिए था, ये जल चुका है, नंबर एक। नंबर दो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह से उठने को मिल रहा है। ये देखें ये ड्रेन वाली पिन जो है, ड्रेन और सोर्स दोनों ही हमें जले हुए मिले, ये वाली पिन, ठीक है जी। बहरहाल ये पिन इधर मिलनी चाहिए और ये पिन इस तरफ को आनी चाहिए, इस जगह पे मिलनी चाहिए, ठीक हो गया जी। ये वाली तो हम इसको काट देते हैं यहाँ से, ताकि इधर उधर शॉर्ट सर्किट ना बना सके, और हम इसमें तारें इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको सर्किट को ठीक करेंगे, आपके सामने मैं सारा करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। और आप अपने फ्लैशर यूनिट को, जो कि ज़्यादा कीमत का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ठीक कर सकें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम अज़ कम फेंकने से बच जाएगा। ये इधर में लाएंगे, ये सेंटर वाला आपके पॉजिटिव पे जाएगा, और ये जो है ये आपके एल के ऊपर जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर सेंटर वाला, और ये साइड वाला जो है ये साइड वाला टर्मिनल, ये साइड वाला जो कि सोर्स कहलाता है, सोर्स आपके ये इस लेग के ऊपर, यानी ये वाला लेग जो है ये लाइट वाला, इसके ऊपर जाएगा, ये इसके साथ मिला हुआ है। अच्छा अब हम मिलाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। सोल्डरिंग आयरन मेरा गर्म है इस वक्त, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फ्लक्स कर देते हैं ताकि हमारा काम अच्छे से हो। ये देखिए यहाँ पे मैं फ्लक्स करूँगा, सेंटर वाले को मैं फ्लक्स करूँगा, जहाँ जहाँ हमने काम करना है वहाँ हम कम से कम फ्लक्स कर देते हैं ताकि हमारा काम प्रॉपर वे हो। और एक इधर भी हम कर देते हैं, वायर्स को बचाएंगे, वायर्स को जलने से बचाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हमने नहीं क्रिएट करना, गंदा काम ठीक नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, थोड़ा सा तरीके से। इसके बाद वायर लेंगे, ये मेरे पास लिट्स वायर है, लिट्स वायर लेके मैं इसको यहाँ पे मिलाऊंगा सबसे पहले। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरफ से करके ले जाते हैं और इधर इसको सोल्डर कर देते हैं। इस तरह से मिला दिया मैंने, अब मैं ब्लेड की मदद से इसको काटूंगा, तो वह करीब से हमने काटना है, कटर की बजाय ब्लेड, इस तरह से। अब मैं इधर से इसको सोल्डर करके उस तरफ को ले जाऊंगा, लेकिन बेहतर है कि मैं कोई और इंसुलेटेड वायर यूज़ कर लूं। ये भी इंसुलेटेड ही है, लेकिन इससे भी बेहतर वायर यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट काम हो। ये छोटे से वायर का टुकड़ा मैं इधर इंट्रोड्यूस करूँगा, इस तरह से। अब ये तकरीबन इसका काम हो चुका है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक दफ़ा ब्लेड मार दीजिए ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई चांस न रहे। शॉर्ट सर्किट होगा तो होगा कुछ भी नहीं, ये इससे मिल जाएगा, काम नहीं करेगा, जो कि हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये काम करे और सही से बोले। तो हम इसको खुली हालत में ही टेस्ट करते हैं, बाद में बॉक्स कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए बी के ऊपर मैं फिर उसी तरीके से ये मिलाऊंगा, प्लस और माइनस के साथ ऑफ कोर्स लाइट, ये देखिए रोशन हो रहा है। यहाँ पे मिला के चेक करते हैं, परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको बॉक्स करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, बॉक्स में इसको फिट करते हैं। इसके बगैर इन्होंने जगह बनाई हुई है, ये देख लीजिए इसके अंदर जगह है, जगह में इस तरह से बैठाइए, आराम से अनबॉक्स कीजिए इसको, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अपनी जगह में बैठेगा। और बहुत बेहतर काम ये है कि हम इसको यहाँ पे सीलिंग कर दें सिलिकॉन वगैरह से, ताकि सीलिंग होगी तो फिर ये कम अज़ कम पानी वगैरह इसमें नहीं जाएगा, पानी से भी अक्सर ये डैमेज हो जाते हैं, वाटर डैमेज होते हैं,
लेकिन बहरहाल वो अभी नहीं है। तो देखें दोबारा चेक करते हैं। परफेक्ट, ये डिवाइस हमने ठीक कर दी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में से आपने कुछ लर्निंग की होगी। वीडियो में से लर्निंग की है, इस वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ, प्यारी प्यारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। देखते रहिए, शुक्रिया।